हालेलुया। इस समय ज़्यादा समय ना लेके हम अपने वक्ता को इस समय मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगी। और आज हमारे बीच में पहली बार सिस्टर रेबेका और उनके पति पास्टर जाबेज हमारे बीच में है। कैन यू जस्ट स्टैंड अप। और शादी के बाद वो भी पहली बार हमारे कलिसिया में आए हैं। बहन रेबेका यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से सेवकाई कर रही थी और अभी दक्षिण भारत से विवाह करके उत्तर भारत आए प्रभु की सेवा के लिए। यू मे बी सीटेड। एंड आइए हम सब मिलकर इस समय पास्टर जाबेज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लाते हैं। हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अभिलाष, can you G major? Hallelujah. So I'm so happy today morning to be with you worshiping our living God. सुबह में मैं बहुत आनंदित हूँ परमेश्वर की हम आराधना करते हैं मिलकर। I thank dear pastor for giving us this opportunity to share the word of God with you. पास्टर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। We come from Chennai, Tamil Nadu. हम चेन्नई से आते हैं, तमिल नाडु से। Representing the Royal Kids Prayer Ministry of Father Reverend Anton Cruz. Father Reverend के जो ministry है, उनका वो represent कर रहे हैं यहाँ पर। And today we are going to hear a very short and sweet message from the Holy Spirit. यहाँ पर आज हम पवित्र आत्मा के बारे में एक सीधा संदेश को सुनना जा रहे हैं। He wants to speak to us. और पवित्र आत्मा हम सबसे आज बात करना चाहता है। And are you all ready to hear that? क्या इतने लोग तैयार हैं उस वचन को सुनने के लिए? I am ready for myself. I want to hear his voice. और इस सुबह में मैं तैयार हूँ इस सुबह में उसकी आवाज को सुनने के लिए। I don't know Hindi song, but I'll sing. Then maybe someone can assist. But Amen is the same. I think the Lord bless you and keep you. You know the song? और हिंदी इतना अच्छा नहीं है इनका, लेकिन वो एक गीत को गाने जा रहे हैं जिसमें आमीन हम सब एक ही भाषा में बोलते हैं, तो आप सब साथ में गाना। Yes. आमीन, आमीन, आमीन। Can you all sing together as a family? सब साथ में गाएंगे। The Lord bless you. Jehovah blesses them, aur mehfooz rakhe apni aashish se wo mujhko bhar de apni aain aur mehfooz rakhe aur mein aashish de. Okay, now all sing amen. Ready, go. Sab milkar. Amen, 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 amen. Father, we thank you for this wonderful time. परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। We give you all the praise and glory. हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। Speak to us today morning, Lord. आज सुबह हमसे आप बात करें पिता। We want to hear your voice. हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। We humble before your presence. हम अपने आप को नम्रित करते हैं। To listen to you. ताकि आपकी आवाज को सुनने पाएं। Amen. Amen. So let us all turn our Bibles to Psalms 115 verse 12. हम सब निकालेंगे अपने बाइबल में से भजन संहिता 115। So I will read it in English and then brother will read it in Hindi. मैं इंग्लिश में पढूंगा, मैं मदद करूंगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए। The Lord remembers us and will bless us. Verse 12. Okay. यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वे आशीष देगा। He will bless his people Israel. वे इज़राइल के घराने को आशीष देगा। He will bless the house of Aaron. और वे हारून के घराने को आशीष देगा।
So can you all repeat after him the same word? You can tell and then they can repeat. और जब मैं बोलूँगा आप मेरे साथ साथ बोलेंगे मिलकर. यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा. The Lord remembers us. और परमेश्वर हमें याद रखता है. And the translation that you see there says that the Lord had been mindful of us. और जब आप अनुवाद को देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि परमेश्वर हमको स्मरण रखता है और आशीष देता है. What is running in your mind right now? आपके दिमाग में समय क्या चल रहा है? Even though you are seated in the service. और जब मैं आराधना में बैठा हुआ था. Your mind would be full of something that you have to do this week. और शायद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस हफ्ते में मुझे क्या क्या करना है. Or the challenges that you are about to face this week. और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या चुनौतियां मैं इस आने वाले हफ्ते में देखने वाला हूँ. Sometimes our mind is full of problems. और कई बार हमारे दिमाग कई सारी चुनौतियों से ही भरा रहता है. But the mind of God. लेकिन परमेश्वर का जो समझ है. Is full of us. वो हमको लेकर भरा हुआ है. Is full of us. वो हमको लेकर भरा हुआ है. Say to your friend next to you, say God's mind is full of you. और आपके साथ में जो बैठा उनको देखकर बोले कि परमेश्वर के दिमाग में आपके बारे में चलता है. God is thinking about you. परमेश्वर आपके बारे में सोचता है. Right now he is thinking about you. इस समय में भी वो आपके बारे में सोच रहा है. He is thinking about you. वो आपके बारे में सोच रहा है. And he wants to bless you. और वो आपको आशीष देना चाहता है. Amen. Amen. You all believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? So God is mindful of you. कि परमेश्वर आपको स्मरण करता है. Two things that God wants us to do today. दो चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए करें. So that God can bless our families. ताकि परमेश्वर हमारे परिवार को आशीष देने पाए. Because we read that the Lord will bless the house of Israel. The Lord will bless the house of Aaron. और यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इज़राइल के घराने को आशीष दिया और हारून के घराने को आशीष देगा. He wants to bless your family. परमेश्वर आपके परिवारों को आशीष देना चाहता है. He is thinking about your family. वो आपके परिवार के बारे में सोचता है. And he wants you to do two things. और वो चाहता है कि आप ये दो कार्य करें. Two things. दो चीजें. Everyone say two things. सब बोले दो चीजें. So that he can bless your family. ताकि वो आपके परिवार को आशीष दे पाए. Two things. दो चीजें. So that he can bless your family. ताकि वो आपके परिवार को आशीष देने पाए. So number one. पहली चीज. We will turn our Bibles to Luke chapter 23, verse 28. हमें से कोई पढ़ेगा लूका उसका 23 से 28 तक. Luke 23, verse 28. लूका 23 उसका 28 तक. I will read it in English and then the brother will read it in Hindi. Okay? But Jesus, turning unto them, said, "Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourself and for your children." यीशु ने उनको और मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो. Daughters of Jerusalem, do not weep for me. यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो. But weep for yourselves. लेकिन अपने लिए रो. And weep for your children. अपने बच्चों के लिए रो. When Jesus was going to the Mount of Calvary to be crucified. और कलवरी के पहाड़ पर जब यीशु मसीह जा रहे थे उनको क्रूस पे चढ़ाने के लिए. Jesus went through so much torture. और परमेश्वर बहुत सारे अत्याचारों यातनाओं से होकर निकले थे. And the women in the streets of Jerusalem. और यरूशलेम के उन गलियों में जो स्त्रियां वहां पर थी. Started crying. वो रोने लगे देखकर. By seeing Jesus being tortured. और यीशु मसीह के ऊपर हुई यातनाओं को देखकर वो सब रोने लगे. The hands that did miracles after miracles. वो हाथ जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार के बाद चमत्कार किए. The hands that did good after good things for people. और वो हाथ जिन्होंने लोगों के लिए सिर्फ भलाइयों के कार्य किए. Today he is being tortured. और वो हाथों के ऊपर अत्याचार हुआ है. So the women were weeping, seeing Jesus being tortured. और उन सब चीजों को देखकर वहाँ पे जितनी स्त्रियाँ थी वो रोने लगी. But Jesus turned to them. और यीशु मसीह ने उनको कहा. And said to them. और उनको ये कहा. Don't weep for me. मेरे लिए विलाप मत करो. Don't weep for me. मेरे लिए विलाप मत करो. Because I will be crucified. क्योंकि मैं कुछ समय बाद क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ. And I will come to life again on the third day. और तीसरे दिन मैं दोबारा जिंदा होने वाला हूँ. But cry for you. लेकिन अपने लिए विलाप करो. Cry for your children. अपने बच्चों के लिए विलाप करो. That means. इसका मतलब ये है. He asked them to cry for their families. वो चाहता है कि आप अपने परिवार के लिए रो. So number one, everyone say cry for your families. आप सब बोलेंगे पहला
नंबर एक कि हम अपने परिवार के लिए रोए. Sometimes it's very easy for all of us to cry. कई बार ये बहुत आसान होता है कि रोना हम लोगों के लिए. Because there are many things that breaks our heart every day. कि बहुत सारी चीजें जो हमारे दिल को तोड़ के रख देती है. Challenges and questions that are standing before us. और चुनौतियां हमेशा हमारे आगे खड़ी रहती है. Makes us feel so burdened. और वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा बोझ जैसा फील हमें कराती है. I want to tell you, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं. Don't cry to your neighbor for your family. Don't cry to your neighbor about your family. और अपने पड़ोसियों के सामने मत रोए अपने परिवार के बारे में. Don't cry to your friends about your situation in your family. आपके परिवार में क्या चल रहा है अपने दोस्तों के सामने मत बताएं, वो मत रोए उनके सामने. Don't cry anywhere. कहीं भी मत रोए. But cry in the presence of God. लेकिन जब आप रोए तो आप सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर के presence of God. आप परमेश्वर के उस परमेश्वर के सामने जाके आप रोते हैं. Because every tear you shed in the presence of God. ताकि होने पर जितने आंसू आपके निकल रहे हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति के बीच में हो. It's an investment. और जो समय आप वहां पे व्यक्त करते हो. God will give it back to you as blessings for your family. परमेश्वर उसको आशीष के रूप में आपको वापस देगा. Don't cry anywhere. कहीं भी रोने की जरूरत नहीं है. But cry in this presence. परमेश्वर की उपस्थिति में रोएं. So number one is cry for your family. पहली जो बात मैंने बताई है कि अपने परिवार के लिए रोना है. All are clear with that? How many of you are clear? कितने लोग यहाँ पे यहाँ पर हैं? You're all clear? Say a big amen. सब बोले तेज के आमीन. Thank you. Then number two. और दूसरी बात. Fight for your family. अपने परिवार के लिए लड़े. Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter हम चार निकलेंगे आयत. And verse 13. और उसका तीसवां हम पढ़ेंगे. 4 verse 13 Nehemiah. Nehemiah उसका 4 का 30 हम पढ़ेंगे. And I will read. Fight for your brethren. अपने भाई के लिए लड़ें. Your sons. अपने बच्चों के लिए लड़ें. Your daughters. अपने बेटियों के लिए लड़ें. Your wives. अपने पत्नियों के लिए लड़ें. And your houses. और अपने परिवार के लिए लड़ें. Fight for your family. अपने परिवार के लिए लड़ें. Say fight for your family. अपने परिवार के लिए लड़ें. Say everyone say fight for your family. सब बोलेंगे अपने परिवार के लिए लड़ें. Seat your friend and say fight for your family. आपके साथ में जो खड़ा है बैठा उनको बोले अपने परिवार के लिए लड़े. Fight for your family. अपने परिवार के लिए लड़े. If not you don't cry for your family, who will cry for your अगर आप अपने परिवार के लिए नहीं रोएंगे तो कौन आपके बिहाफ पे रोएगा. If you don't fight for your family, then who will fight for your अगर family? आप अपने परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन दूसरा लड़ेगा. Will it not be you? क्या वो आप नहीं है. Will you? क्या आप करेंगे. आर यू रेडी टू क्राई. क्या आप तैयार है रोने के लिए. इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति में. आर यू रेडी टू फाइट. क्या आप तैयार है लड़ने के लिए. फॉर योर फैमिली. अपने परिवार के लिए. आई वांट टू शो यू अ मैन इन दिस वर्ल्ड. मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा इस संसार में. क्राइड एंड फॉट फॉर हिज फैमिली. जिसने अपने परिवार के लिए रोया और लड़ाई की. ही क्राइड. वो रोया. ही फॉट. वो लड़ाई किया. एंड ही वॉन. और वो जीत गया. एवरीवन से यू क्राई. आप सब बोले मैं लड़ा. You fight. आप लड़े. Says strongly. You fight. आप तेज की बोले हम लड़े. You will win. और आप जीतेंगे. Yes, you will win. आप सब जीतेंगे. जीतेंगे. Yes, I learned. Okay, everyone say you will win. आप सब बोलेंगे हम जीतेंगे. So let's turn our Bibles to Mark chapter 5. हम निकालेंगे. Mark chapter 5. मरकुस 5 हम निकालेंगे. Verse 22. To 43. We are not going to read everything. Verse 22 to 43. Oh, keep your Bibles open there. That's it. Okay. आपने Bible को खोले रखे. आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है. वो जो बोलेंगे आप सुनें. 5 verse 22 to 43. Sorry. हम 5 का 22 से हम पढ़ेंगे. Here a man called Jairus. और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है यायर. Comes to Jesus. यीशु मसीह के पास आते हैं. With a request. और एक निवेदन करते हैं. Saying to him. और बोलते हैं. The Bible says. बाइबल ये बताती है. Jairus was a leader of the synagogue. और यायर जो था वो सरदार था सिनेगोग का. He was one of the great people in the society. वो महान लोगों में से था उस समाज के. He had a great name. और उसका एक बड़ा नाम था. He had a great fame. और उसका एक मशहूर था उस जगह में. He was one of the top leaders in the synagogue. वो महान व्यक्तियों में से एक था. But his daughter. और उसकी जो बेटी थी. His own daughter. उसकी अपनी एक बेटी थी. Fell sick. वो बहुत बीमार हो गई थी. And she was about to die. और वो कुछ समय के बाद मरने पर थी. She was about to die. और वो मरने की हालत में थी. Jairus wanted to meet Jesus. और यायर वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था. Because Jairus has heard.
क्योंकि यायर ने ये सुना था दिस जीसस कि ये यीशु मसीह कैन हील पीपल वो चंगाई दे सकता है लोगों को सो इवन दो ही वाज द लीडर इन द कम्युनिटी वो एक बड़ा महान नेता था उस समय समाज का ही वाज अ ग्रेट पोजीशन इन द सोसाइटी उसके पास एक महान जगह थी स्थान था ही केम इन सर्च ऑफ जीसस लेकिन वो आया यीशु मसीह को ढूंढता हुआ एंड द बाइबल सेज बाइबल बताती है ही फेल एट द फीट ऑफ जीसस वो यीशु मसीह के चरणों पर गिरा ही फेल एट द फीट ऑफ जीसस वो यीशु के चरणों पर गिरा He fell at the feet of Jesus. वो यीशु मसीह के चरणों पर गिरा This shows ये एक बात को दर्शाती है As a father कि एक पिता होने के नाते The love that he had for his daughter जो प्यार उसके अपनी बेटी के लिए है Even though he was a great man, वो एक बहुत महान व्यक्ति था उन समय में. He didn't care about that. उसने वो चीज़ नहीं सोचा. If my daughter can be healed by Jesus, वो ये सोच रहा था कि मेरी बेटी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई हो सकती है. I'm ready to fall at his feet. मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में भी गिरने के लिए तैयार हूँ. Everyone sees me. क्या शायद वहाँ पे बहुत हजारों लोग देख रहे होंगे. Every people know me as a leader. शायद वहाँ पे सारे लोग जानते हैं तो बहुत महान व्यक्ति है. Every people know me as a great man in the society. शायद वहाँ पे सारे लोग जानते हैं कि समाज में बहुत महान व्यक्ति है ये तो But Jairus told him, लेकिन यायर वहां पे For बोला, my daughter, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए For my child, मैं अपनी बेटी के लिए I'm gonna fall down at his feet. मैं प्रभु यीशु के चरणों पर गिरूंगा I don't care about what everyone says. मैं नहीं फर्क पड़ता है मुझे वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे लोग खड़े क्या बोलने वाले This हैं is my daughter. लेकिन ये मेरी बेटी है If I don't fall and अगर cry, मैं नहीं गिरूंगा प्रभु के चरणों में who will cry for my daughter? कौन मेरी बेटी के लिए रोएगा He went there. He went to Jesus. वो यीशु मसीह के पास गया He fell down before everyone. वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरा Jesus seeing him. और प्रभु यीशु ने उसको देखा Said to Jairus, और प्रभु यीशु ने यायर को बोला, coming to your home. मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ clap your hands and give ताली बजाएंगे सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे I'm coming to your home. मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ I am coming to your home. मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ How many of you say that was a great news? कितने लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा संदेश है For a man who was in great need, और एक व्यक्ति जो बहुत महान था, who was so desperate, वो बहुत ज्यादा इच्छुक था He came down to the feet of Jesus. कि वो यीशु मसीह के चरणों पर भी गिरा. That was great news for him. वो एक ये एक महान संदेश आप लोगों के लिए. The healer is coming home. कि चंगाई हम घर पर आ रही है. There is hope now. एक आशा घर पे आ रही है. There is hope now. एक आशा है. Because the hope is coming to home. एक आशा उनके घर पर जा रहा था. My daughter can be healed now. कि मेरी बेटी अब चंगी हो सकती है. But the fact is. लेकिन सच्चाई ये है. It was not easy for Jesus to reach the house of Jairus soon. कि यीशु मसीह के लिए संभव नहीं था याइर के घर पे जल्दी पहुंचना. Because the Bible says so many people pressed him. क्योंकि बाइबल बताती है कि हजारों की भीड़ यीशु मसीह को धकेल रही थी. A great crowd was following Jesus. और बहुत हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी. Everyone was pressing close to him. और सब चाहते थे कि वो यीशु मसीह को धक्का दे या छूने पाए. Because everyone is in need. क्योंकि सब जरूरत के साथ थे. Everyone is in need. सब वहां पे जरूरत के साथ थे. Everyone needs a miracle. सब वहां पे चमत्कार को चाहते थे. See, no one is gonna say to Jairus, Jairus, your daughter is so sick. सब यही बोल रहे थे जाहिर को कि तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है So we will come to Jesus later for our miracle. और हम चमत्कार के लिए यीशु मसीह के पास बाद में चले जाएंगे लेकिन आपकी जरूरत पहले है No one is going to say that. कोई ऐसा नहीं बोलने वाला था वहां पर You see Jesus? आपने यीशु को देखा It's the time for your miracle. ये समय है चमत्कार का A time for everyone's miracle. ये समय है हर लोगों के लिए चमत्कार का The Bible says, बाइबल बताती है A woman who was bleeding for more than 12 years. और एक स्त्री थी बाइबल बताती जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी She was also so sick. वो बहुत बीमार थी She wanted to touch the garments of Jesus. वो यीशु मसीह के वस्त्र को छूना चाहती थी So she also was in the crowd. वो भी उस भीड़ के अंदर थी Just think about Jairus. एक मिनट के लिए आप सोचिए याइर के बारे में. What was his heart? उसके दिल में क्या चल रहा था? It was great news that Jesus was going to come. वो एक इच्छा के साथ था कि यीशु मसीह मेरे घर आएंगे. But the crowd is so much. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था. If you want to say in our language, then the traffic was so heavy. अगर आप अपनी भाषा में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पर. The traffic was so heavy. बहुत ज्यादा वहाँ पे ट्रैफिक था यू कुड नॉट रीच द हॉस्पिटल इन टाइम जैसे कि आप ट्रैफिक के समय में अस्पताल समय पे नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज इन दिल्ली द ट्रैफिक इज मच मोर देन चेन्नई
और यहाँ पे दिल्ली में इतना ट्रैफिक है, चेन्नई से भी ज्यादा ट्रैफिक दिल्ली में। If you can drive in Delhi, I think you can drive anywhere in the world. अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ संसार में कहीं भी चला पाएंगे। It's so much traffic. बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ। It was not one signal, it was not two signals, it was many signals. यहाँ पे एक सिग्नल नहीं, दो सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल है। Every signal Jesus has to stop, stop, stop. यीशु मसीह को हर सिग्नल पर रुकना पड़ता था, रुकना पड़ता था। But for Jairus, लेकिन यायर के लिए, Every time his heart was about to stop. और उसका हृदय कभी भी रुक सकता था। So someone touched the garment of Jesus. किसी ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। And Jesus is asking his disciples. और यीशु मसीह वहाँ पे चेलों से पूछने लगे। Someone touched me. किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है। And the power went out of me. और मेरे में से सामर्थ निकला है। And they were healed. और वहाँ पे चंगाई हुई है। Who is it? कौन है? Who is it? कौन था वो? And the disciples are telling him. और वहाँ पे चेले बोलने Jesus, लगे, there are so many people around you. कि गुरु यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती जा रही है। Ask who touched you? आप कैसे पूछ सकते हैं कि किसने आपको छुआ है? Everyone is pressing tight to you. सब आपको छूना चाहते हैं, सब आपको धकेल रहे हैं। The conversation is going on. और वहाँ पे बातचीत चल रहा था। And suddenly this woman shows up from somewhere. और बहुत दूर से स्त्री ने अपना आपको दिखाया। I was the woman. कि मैं थी वो स्त्री। I got healed. मैंने आपको छुआ और मैं चंगाई हुई। And Jesus is telling her. और यीशु मसीह उससे बोलने लगे। Your faith has healed her. कि तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया। Oh, too many talkings. Everyone said too much talking. बहुत सारी बातें चल रही है, सब बोलेंगे, बहुत सारी बातें चल रही है। You are clapping. आप ताली बजा रहे हैं। Because for you are all so happy for the women. क्योंकि आप सब खुश हैं उस स्त्री के चंगाई होने के लिए। But for Jairus, लेकिन यायर के लिए, it was bad news. वो बहुत ही एक बुरी खबर थी। Delay was a bad news. वो उसके लिए बुरी खबर थी। Time is keep on going. क्योंकि समय निकलता जा रहा था। Jesus is speaking. और यीशु मसीह बात कर रहे हैं। People are speaking. लोग वहाँ बात कर रहे हैं। But his heart. लेकिन उसका हृदय, oh, my daughter will die at any moment. उसके हृदय में चल रहा है कि मेरी बेटी Jesus कभी भी मर सकती है। But Jairus didn't have the boldness to say, Jesus, Jesus, come, let's go, don't wait for them. और यायर के पास इतनी क्षमता नहीं थी, वो यीशु मसीह के पास जाके बोले कि हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमारे साथ चले। He is standing there. लेकिन वो वहाँ खड़ा था। And he sees few people that he knows. और वो कुछ लोगों को जानता था, उन लोगों को देख रहा था। Coming from far away. बहुत दूर से वो आया है। Oh, he knows now the bad news is coming. अब उसको पता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, एक बुरी खबर को लेकर आ रहे हैं। Verse 35. और 35. Verse 35 says, while he was speaking. जब वो वहाँ पे बात कर रहा था, वहाँ पे लिखा है। Do you think it was too much talking for Jairus? आपको लग रहा है कि यार वहाँ पे बहुत बात कर रहा था? How many of you understand that? The feeling of Jairus as a father. कितने लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं यायर एक पिता होने के नाते उसके अंदर क्या चल रहा है? Fathers, you all understand. Mothers, you understand. जितने माता-पिता हैं वो समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? It is too much talking. वहाँ पे बहुत बातें हो रही हैं. If she is healed, वो वहाँ पे चंगाई हो रही है. Leave her and come on, let's go. कि आपने चमत्कार कर दिया, आप चले मेरे साथ. But what to do? अब मैं क्या कर सकता हूँ? Our God speaks a lot. मैं वहाँ पे बहुत बातें हो रही है. He is speaking. वो बातें कर रहा है। As he was speaking, जो वो बात ही कर रहा था। People came from the house of Jairus. और यायर के घर से कुछ लोग आए। And told Jairus. और यायर को बोले। Don't disturb the teacher. यीशु मसीह को आप कष्ट ना दे। Don't disturb the teacher. यीशु मसीह को कष्ट ना दे। Your daughter is dead. तुम्हारी बेटी मर चुकी है। Your daughter is dead. तुम्हारी बेटी मर चुकी है। Your daughter is dead. तुम्हारी बेटी मर चुकी है। But even before Jairus opened his mouth. इससे पहले ये खबर सुनकर यायर अपने मुंह को खोले। Jesus opened his mouth. यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला। As soon as Jesus heard the word. और जैसे यीशु मसीह ने इस खबर को सुना। That was spoken. अब वो शब्द ये निकले। He said unto the ruler. और उसने यायर को बोला। Of the synagogue. जो सिनेगोग का सरदार था। Be not afraid. मत डर। Only believe. केवल विश्वास रख। Only believe. केवल विश्वास रख। Only believe. केवल विश्वास रख। I know Jairus was crying at that moment. मुझे ये समझ में आ रहा कि उस समय में शायद यायर बहुत रो रहा है अपनी बेटी के लिए। He was weeping for his family. वो अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए रो रहा है। He was crying for the death of his daughter. वो अपने मरी हुई बेटी के लिए रो रहा है उस समय में। But I'm saying you. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। There is something more powerful than your tears.